आज की मीटिंग जो गृह मंत्री जी ने बुलाई थी, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के लीडर्स, जो सभी राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टियां नेशनल और रीजनल, उनको बुलाया था। शुरू में ही हमने गृह मंत्री जी से निवेदन किया कि वो प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से निवेदन करें कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं सभी राष्ट्रीय और रीजनल दलों के अध्यक्षों की मीटिंग बुलानी चाहिए और उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए और इस हमारी बात को दूसरे दलों ने भी समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दलों ने, विशेष रूप से शुरुआत हमारे दल से हुई, हमने ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी की तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बताया है पूरे देश को, हम उस बात को इस मीटिंग के अंदर दोहराना चाहते हैं कि इस वक्त पूरा देश दुख में है, मातम में है। आक्रोशित है इस बहुत बड़ी घटना। मैंने अंदर सदन में, मैंने अंदर मीटिंग में यह भी बताया कि मेरी जानकारी के अनुसार 1947 से लेकर आज तक युद्ध को छोड़कर ये पहली दफा इतनी ज्यादा संख्या में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस किसी घटना में आतंकवादियों के द्वारा मारे गए। तो इस बड़ी घटना में सभी राजनीतिक दल, सभी देशवासी, चाहे किसी भी प्रांत के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, आज मातम मना रहे हैं। इस ऐसे समय में हमारी पार्टी ने यह तय किया है, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने और पूरी पार्टी ने यह तय किया है कि हम इस वक्त अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, सीआरपी के साथ, सीआरपीएफ के साथ और जो लोकल पुलिस जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है आतंकवाद के खिलाफ, हम उनके साथ इस वक्त खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, पूरा देश खड़ा रहेगा, हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। और हमने ये भी तय किया कि सरकार के साथ हमारे बहुत विशेष विषयों पर मतभेद हैं, मतभेद रहेंगे, लेकिन आज के इस वक्त में हम देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए। हमारा पूरा समर्थन रहेगा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण रखने के लिए, सरकार को हमारा समर्थन रहेगा। कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, वहां टेररिज्म या आतंकवाद या मिलिटेंसी को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन सरकार को रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।